किचनेट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नया नया रेसिपी देखिए। आज मैं आप सबके लिए बेबी पोटैटो की रेसिपी लेकर आ रही हूँ, जो बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं, बहुत ही लाजवाब टेस्टी है। चलिए शुरू करते हैं। एक प्याज, दो हरी मिर्ची, 7 लहसुन के कलियां और 2 इंच अदरक, इसको एक साथ पीस लेंगे। आलू बॉईल कर लिया, इसको ऐसे छेद कर लेंगे। और ये छेद करने से ना तो मसाला भूनेंगे, वो मसाला है ना अंदर तक जाएगा। इसमें थोड़ा सा हल्दी देंगे, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर ऐसे करके हम मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया, अभी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। वो डीप फ्राई कर लेंगे आलू को। ऑयल गरम हो गया, अभी पोटैटो को फ्राई कर लेते हैं। हो गया फ्राई, अभी निकाल लेते हैं। ऐसे फ्राई करना है। तीन चम्मच करीब तेल लेंगे, 1 टेबलस्पून घी ली। तेल गरम हो गया, 1 मिर्ची डाल दे रहे हैं, 1/2 चम्मच जीरा, तेज पत्ता, राफली चॉप ऑनियन, लाइट ब्राउन हो गया प्याज, अभी बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर को अच्छा से फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। टमाटर सॉफ्ट हो गया, अभी वो पेस्ट प्याज अदरक का लहसुन का वो पेस्ट डाल देंगे। अभी सूखा मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी,
एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से भुनेंगे। अभी मसाला भून रही हो तो उसके साथ ये आलू भी डाल देंगे। आलू के साथ मसाला भून रहे तो अभी पानी डाल देंगे, आधा कप पानी डालेंगे। अभी इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखते हैं धीमे आंच में। 5 मिनट हो गया, अभी गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कसूरी मेथी को क्रश कर लेंगे। अरे ये है ना, बहुत कम टाइम में हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। पूरी पराठा पुलाव इसके साथ भी बहुत अच्छा जाता है। धनिया थोड़ा डालेंगे और थोड़ा गार्निश के लिए रखेंगे। देखिए दम बेबी पोटैटो रेडी हो गया। देखिए कितना अच्छा कलर आया, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अभी सर्व करते हैं। दम बेबी पोटैटो रेडी हो गया। मैं श्योर हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा, इसलिए आप घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरा रेसिपी आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए।